नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत है। एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, इट इज रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। टुडेज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। और सीधा ये क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट आर द डिफरेंट थियोरीज ऑफ डिसोल्यूशन। ये एक्सप्लेन द थियोरीज ऑफ डिसोल्यूशन, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है फिल्म थियोरी पर। तो देखते हैं अपना प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। भाई ये जो डिसोल्यूशन शब्द है, हिंदी में इसको बोलते हैं डिसॉल्व, या इंग्लिश में ही बोलते हैं डिसॉल्व, हिंदी में बोलते हैं घुलना। तो घुलने से बना डिसोल्यूशन, कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है सॉल्युबलाइजेशन से भी। तो इसके दो डेफिनेशन है, एक तो ये है कि ड्रग का घुलना ही डिसोल्यूशन है। तो यस, आई कैन से दैट एज पर द डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ ड्रग इज टर्म्ड एज डिसोल्यूशन। ये तो एक डेफिनेशन है। अब दूसरी डेफिनेशन से अपन समझे तो ऐसा है, सपोज देयर इज, सपोज वी हैव टेकन वन एग्जांपल, एक बीकर है या कोई कंटेनर है। उस कंटेनर में व्हाट वी हैव डन इज शुगर क्रिस्टल डाल दिया अपन ने। डालने के बाद अपन ने थोड़ा स्टिर किया और थोड़ी देर बाद व्हाट वी ऑब्जर्व इज, जो शुगर क्रिस्टल है ना, उसके पार्टिकल्स क्या हो गए, छोटे हो गए। छोटे हो गए मतलब यहां पर से कोई चीज थी, कहां आ गई, यहां आ गई। यस, इस अब ये आगे इसका क्या प्रूफ है, या तो चक्के देख लो, ये एनालाइज कर लो, कोई सा भी टेस्ट लगा लो। तो कहने का मतलब डिसोल्यूशन में क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर थे वो सराउंडिंग फ्लूइड में आ गए, और यही डिसोल्यूशन की डेफिनेशन है। तो डिसोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिसोल्यूशन को समझने के लिए तीन थियोरीज होती हैं, मतलब मैं कह सकता हूं द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय थ्री थियोरीज। वो तीन थियोरी कौन सी हैं? फर्स्ट इज डिफ्यूजन लेयर थियोरी, व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज फिल्म थियोरी। सेकंड इज डैंकवर्ड्स मॉडल, व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज सरफेस पेनिट्रेशन एंड रिन्यूअल थियोरी। थर्ड इज इंटरफेशियल बैरियर मॉडल और डबल बैरियर थियोरी। नाउ आउट ऑफ दिस थियोरी, this one is the most accepted. It means the process of dissolution is best explained by the diffusion layer theory. Now what diffusion layer theory is, वो देखते हैं now. Why ऐसा है, is according to this theory, ये this theory ये कहती है कि जब किसी भी ड्रग को सॉल्वेंट में रखा जाता है, मतलब डिसोल्यूशन फ्लूइड में रखा जाता है, तो पहले तो क्या होता है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फिल्म अराउंड द पार्टिकल। पार्टिकल मतलब ड्रग सॉल्यूट की बात कर रहा हूं। वो फिल्म बनती है और ये जो फिल्म बनती है ना, ये बहुत फास्ट बनती है, बहुत तेजी से बनती है। उसके बाद जब फिल्म बन जाती है ना, तो ये वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ड्रग का जो पार्टिकल है, उसके सरफेस से जो ड्रग के कण हैं, वो उस फिल्म के थ्रू जाते हैं धीरे धीरे। तो मींस द डिफ्यूजन लेयर थ्योरी, इट शोज दैट प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन अकर्स इन टू स्टेप्स। In the first step, there is formation of a diffusion layer or stagnant layer या stagnant film. तो उसको इस डायग्राम से दर्शाया गया है, कैसे अभी देखते हैं। Second is diffusion of drug or solute through this layer. ये जो layer बनी है इसके थ्रू। अब देखो ये drug particle है, ये thickness है उसकी drug particle की। Now, whenever it is suspended in a dissolution fluid या fluid, there is formation of film. ये जो green दिख रहा है आपको, ये फिल्म है। नाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ फिल्म इज फास्ट। अब जो सेकंड स्टेप है, ये जो ड्रग है सरफेस से कहां जा रही है, सरफेस से कहां जा रही है, इस लेयर को पार करने के बाद, व्हिच इज हैविंग अ डेफिनेट थिकनेस ऑफ एच, इसको पार करने के बाद जा रही है, मतलब ड्रग इज डिफ्यूजिंग इनटू द बल्क। एंड दिस स्टेप इज स्लो, एंड वी नो दैट द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज स्लो स्टेप। तो कहने का मतलब जो डिफ्यूजन लेयर थ्योरी है, या जो डिफ्यूजन है, वो किस पे स्टेप करेगा, यहां से यहां आनेंगे, जो यहां से यहां ड्रग आ रही है ना, सब कुछ उसी पे डिटरमिन करेगा। नाउ अब इसमें ये जो दिख रहा है आपको सरफेस, ये तो है इंटरफेस, इसके बीच में, इन दो फेजेस के बीच में, ये तो बल्क है और ये आपका सरफेस ऑफ सॉलिड है। ये जो लेयर है, ये दिखाया हुआ है ब्लैक से, इट इज स्टैग्नेंट लेयर एंड सी एस,
सीएस का मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन स्टेग्नेंट लेयर, ये जो फिल्म बन रही है ये रेड एरो है, दिस इज शोइंग द डिफ्यूजन प्रोसेस. नाउ दिस इज द बल्क, जहां पर आसपास फ्लूइड जाएगा, इसी की बात कर रहा हूँ, इस बल्क की बात कर रहा हूँ. द बल्क, और यहाँ पर कंसेंट्रेशन कितनी होगी, सीबी. सीबी का मतलब कंसेंट्रेशन ड्रग इन बल्क. ये जो लेयर बनेगी एच, दिस इज द स्टेग्नेंट लेयर हैविंग थिकनेस एच, ठीक है, और इसकी कंसेंट्रेशन रहेगी सी. तो सी एस समझ में आ गया, सी बी समझ में आ गया, एच समझ में आ गया यहां से. अब ये ड्रग क्या है, ये मेम्ब्रेन है जीआईटी बैरियर, उसको क्रॉस करके कहां जा रही है, ब्लड में, एंड वंस इट इज रीचेज इन टू द ब्लड उसके बाद आपको एक्शन मिल जाएगा. तो ये तो कहानी है किसकी, डिसोल्यूशन के दो स्टेप. अब आगे बढ़ते हैं, इस ये थ्योरी क्या कहती है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस द डिसोल्यूशन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द इक्वेशन विच इज टर्म्ड एज नॉइज़ विटन इक्वेशन. डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नॉइज़ विटन इक्वेशन पर, कई बार आया हुआ है, शॉर्ट नोट भी आया है, और जीपैट में भी आया है, नाइपर में भी आया है, फार्मेसी सेंटेंस एग्जाम में भी आया है. तो मीन्स इट इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय नॉइज़ विटन इक्वेशन. और नॉइज़ विटन इक्वेशन क्या है, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी एस माइनस सी बी. तो डी सी बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, कितनी देर में ड्रग डिसॉल्व हो रही है, अबाउट टाइम, कितनी देर में कितनी, डी सी बाई डी टी. के क्या है, के इज डिसोसिएशन रेट, सॉरी डिसोल्यूशन रेट कॉन्स्टेंट. और सी एस माइनस सी बी अपन जानते ही हैं, अपने दूसरे वीडियो के अंदर पढ़ा है डिफ्यूजन के अंदर, वहां पर देखना सी एस माइनस सी बी, इट इज समवेयर रिलेटेड टू सेम कंडीशंस, कैसे दोबारा आएगा. तो के तो है डिसोल्यूशन रेट कॉन्स्टेंट. नाउ दिस इक्वेशन इट इज बेस्ड ऑन फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन. अब ये फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, प्लीज गो थ्रू द अदर वीडियो जिसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन फिक्स फर्स्ट लॉ. तो क्या किया, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था ब्रूनर, उस ब्रूनर ने क्या किया, फिक्स फर्स्ट लॉ इसके अंदर डाल दिया. तो मीन्स व्हाट ब्रूनर डिड, he incorporated the fixed law into the Noyes-Witten equation और Noyes-Witten equation को modify कर दिया. तो अपने को क्या मिल गया, modified Noyes-Witten equation मिल गई, और fixed first law जब इसमें आ गया ना, तो dc by dt is equal to k की जगह dak upon vh wo cs minus cb, जहां पर d क्या है, diffusion coefficient, a क्या है, surface area of dissolving fluid solid, ये जो सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है ना, इसकी ये जो सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है इसका सरफेस एरिया, के डब्ल्यू बाय ओ पार्टीशन कोएफिशिएंट. अब ये पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सी द अदर वीडियो. एक और चीज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की बताई हुई चीज दूसरी वीडियो में लिंक हो, इसलिए प्लीज व्यू द कंप्लीट वीडियो इन ऑर्डर टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. नाउ के पार्टीशन कोएफिशिएंट है, V volume of dissolution fluid है, H thickness of layer देख लिया, CS minus CB concentration gradient. अगर concentration gradient क्या है, concentration gradient का मतलब है कि यहां जो concentration है ड्रग की और यहां जो है concentration, इनका अंतर, इन दोनों के बीच में कितना अंतर, ये डिफ्यूजन में अपन देख चुके हैं, क्योंकि वहां पर अपन ने देखा था कि डिफ्यूजन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो कंसंट्रेशन जितने ज्यादा बढ़ाएंगे, डोज जितने ज्यादा बढ़ाएंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट होगा. तो सिमिलर कंडीशन यहाँ है, इसलिए तो अपन ने फिक्स फर्स्ट लॉ अप्लाई किया है. नाउ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉइज़ विटन इक्वेशन है, ये जब भी एप्लीकेबल है व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ डिसॉल्विंग सॉलिड इज रिमेन्स कांस्टेंट, ये मान के चलना. इसलिए जब भी अपन इन विट्रो कोरिलेट करेंगे या इन विट्रो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो अपने को ध्यान रखना है, देयरफॉर द मेथड्स ऑफ कांस्टेंट सरफेस एरिया शुड बी यूज्ड. वही मेथड यूज कर रहे हैं जिनके अंदर ड्रग का कांस्टेंट सरफेस एरिया हो, तभी कोरिलेशन का एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है. तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसोल्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आपने मॉडिफाइड नॉइज़ विटन इक्वेशन देख ली, तो इजीली यू कैन से दैट देयरफॉर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आर दिस, बी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, एरिया ऑफ सॉलिड, पार्टीशन कोएफिशिएंट, सीएस माइनस सीबी, एच मतलब थिकनेस. इसका मतलब अगर आपने ऑल्टरेशन किया इन किसी के अंदर भी, इसका मतलब ऑल्टरेशन ऑफ एनी ऑफ दिस फैक्टर्स, दे कैन आइदर इंक्रीज द डिसोल्यूशन और दे कैन डिक्रीज द डिसोल्यूशन रेट. कैसे, लेट अस सी. भाई ये जो डी होता है ना, इस डी का मतलब होता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट.
डिफिशियंट कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि सपोज, या फिर इसको एक डेफिनेशन में समझें तो इट इज द प्रॉपर्टी विच टेल्स हाउ फास्ट द ड्रग मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन टू द सराउंडिंग फ्लूइड। भाई ऐसा है, वंस अगेन आई एम टेलिंग एन एग्जाम्पल, ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल था ये डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिजोल्यूशन, सोल्यूबिलाइजेशन या फिर डिजोल्यूशन कब होगा, जब पार्टिकल यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से, तो जितना पार्टिकल यहां से यहां आएगा उतना फास्ट होगा डिजोल्यूशन रेट, यस। तो अगर किसी कारणवश इसकी विस्कोसिटी बढ़ा दी सराउंडिंग फ्लूइड की, तो इतनी आसानी से ट्रेवल करेगा क्या? नहीं करेगा। जब आसानी से ट्रेवल ही नहीं करेगा तो मूवमेंट नहीं होगा, इसका मतलब विस्कोसिटी से इसको अफेक्ट किया जा सकता है। देयरफॉर इफ द ऑल्टरेशन ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड या डिजोल्यूशन मीडियम इज डन इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी, जो आपका डी फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिजोल्यूशन भी डिक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो डी समझ में आ गया। अब ए, ए का मतलब एरिया ऑफ द डिजोल्यूशन डिजोल्विंग सॉलिड। भैया बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स ड्रग के ले लेना, अरे मिश्री ले लो और शुगर घोल लो आप दोनों, पता लग जाएगा जल्दी कौन बोलता है। शुगर के दाने छोटे होते हैं, क्रिस्टल छोटे होते हैं, तो एरिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर जब आता है पार्टीशन कोफिशिएंट, ये आपको दूसरे वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। सीएस माइनस सीबी सिंक कंडीशन, सीबी आप देख चुके हैं जितना डिफरेंस है, अगेन यू हैव टू सी फॉर दिस यू हैव टू सी अदर वीडियो। अब ये बात आती है, देखो एच, एच का मतलब ये लेयर। अब इसको समझने के लिए जितनी ये लेयर मोटी होगी ना उतना देर से होगा डिजोल्यूशन। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, हुआ यूं कि आपने क्या किया, वाटर लिया या फिर आपने क्या किया दूध लिया, चलो पानी ले लिया आपने, फिर आपने क्या किया उसमें चीनी डाल दी। तो चीनी डालने के बाद आपने चाहे आधे घंटे बाद पी लिया उसको, तो मिठास आएगी क्या? मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ आपने डाला ही नहीं, स्टीर नहीं किया, ठीक है। तो जैसे क्या किया आपने, शुगर क्रिस्टल डाले, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिजोल्यूशन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फिल्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फिल्म होगी। अब वो फिल्म होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और दूसरे स्टेप में क्या होना चाहिए कि जो ड्रग है यहां से आनी चाहिए, ड्रग यहां से आएगी। भैया आ तो जाएगी, यू आर राइट एट योर ओन प्लेस, लेकिन समय के साथ ये लेयर ठीक होती जा रही है मेरे भाई, समय के साथ लेयर ठीक होती जा रही है, और ठीक होती जाएगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिजोल्यूशन, तो इसलिए अच्छी तरह घुलेगी नहीं। तो आप क्या करते हो, चम्मच यूज करते हो और आप ग्लास रॉड यूज करते हो, तो क्या होगा, अगेन मैं इसको रब कर रहा हूं, जैसे ही आपने शुगर क्रिस्टल डाला लेयर बनी, स्टीरिंग की वजह से लेयर साफ हो गई, फिर क्या हुआ आपने, फिर लेयर बनी, स्टीरिंग की वजह से फिर साफ हो गई। इसका मतलब ये जो सीबी है ना ये जीरो के बराबर रहता है और सीएस हमेशा 100% रहता है, इसीलिए स्टीरिंग की वजह से डिजोल्यूशन ज्यादा होता है, सॉल्युबलाइजेशन ज्यादा होता है। तो एच का कंसेप्ट समझ में आ गया कि हाउ द फैक्टर्स अफेक्ट द डिजोल्यूशन। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन में क्या चीज अपने को देखनी जरूरी है, पर डिजोल्यूशन पढ़ना क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ड्रग दे दी, पाउडर दे दिया, ड्रग डिसइंटीग्रेट हो गई, लेकिन डिजोल्व होना भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर डिजोल्व नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो एक्शन नहीं आएगा, मतलब फेल, आपका डोजेस में फेल हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि डिजोल्यूशन टेस्ट किया जाता है, और जो बॉडी के बाहर किया जाता है उसको बोलते हैं इन विट्रो टेस्टिंग, लेकिन उसको कोरिलेट किया जाता है इन विवो। अब यहां पर एक समस्या आती है, समस्या ये आती है कि टेम्परेचर आपने इन विट्रो में मेंटेन कर लिया, फिर आपने जो टर्बुलेंस है वो मेंटेन कर लिया, सिंक कंडीशन कैसे मेंटेन करोगे आप? तो यस, फॉर दैट ओनली इन विट्रो एंड इन विवो कोरिलेशन सिंक कंडीशंस आर मेंटेन्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। अब वो कौन कौन से मेथड है सब मैं एक बार फिर आपको डायग्राम बनाकर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे संभव है। वंस अगेन आई एम टेलिंग, सपोज अपन किसी सॉलिड का एग्जांपल ले रहे हैं, और ये आपका कंटेनर है ये जिसके अंदर आपकी ड्रग डिसॉल्व हो रही है। अब ये कोई ड्रग का पार्टिकल है जो डिसॉल्व हो रहा है ना, एज पर डिजोल्यूशन ड्रग यहां आएगी, आसपास जाएगी, आसपास जाएगी, और सॉल्युबलाइजेशन होगा,
लेकिन क्या है, यहां तो सी एस ठीक है, यहां पर सीबी भी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब सी एस और सीबी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो सिंक कंडीशन कहां से मेंटेन रहेगी, और सिंक कंडीशन मेंटेन नहीं रहेगी तो डिसोल्यूशन कहां से होगा। तो क्या किया जाता है, इस सीबी को हमेशा जीरो रखने की कोशिश की जाती है। वही अपन बात कर रहे हैं, कैसे, रिप्लेसमेंट विद फ्रेश सॉल्वेंट। ये जो फ्लूड है ना, यहां से निकाल लो और यहां से डाल दो, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल दो, टाइम बाय टाइम। इसका मतलब रिफ्रेश रिप्लेसमेंट विद द फ्रेश सॉल्वेंट टाइम बाय टाइम, इट विल मेंटेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द डिसोल्यूशन फ्लूड, सॉरी सॉलिड, एट लो, एट जीरो। तो ये एक तरीका है। दूसरा है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड, ये थोड़ा है, बढ़ाते जाओ। और मैं जानता हूं कि जब फ्लूइड का वॉल्यूम ही बढ़ गया तो डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूशन हो गया तो कंसंट्रेशन कम हो गई। तीसरा तरीका है रिमूवल ऑफ ड्रग बाय पार्टीशन। जैसे ही ड्रग यहां आई तो आपने क्या किया, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कोई ऐसी चीज यूज कर ली जिससे ड्रग आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ गई, और आपने ड्रग को निकाल लिया, अगेन ड्रग यहां पर जीरो हो गई, और वही आप करना चाहते हो। फिर है यूज ऑफ एडसॉर्बेंट्स। एडसॉर्बेंट में क्या करते हो कि आपको क्या करना है, एक कोई भी ऐसा इनर्ट सब्सटेंस यूज करना है। इनर्ट सब्सटेंस में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ड्रग निकली वो इस पे बाइंड हो जाएगी, ड्रग की निकली इसके मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएंगे। अब वो जब इसके बाइंड हो गए तो जो बाइंड होने वाली चीज वो एडसॉर्बेंट तो कहलाती है। तो यहां पर क्या हुआ, आसपास आपकी ड्रग रहेगी नहीं, आपको उसको निकालना है वापस। तो अगेन सिंक कंडीशन मेंटेन। फिर इसके अलावा क्या है, यूज ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स। तो वाटर मिसिबल सॉल्वेंट से क्या होगा, ड्रग की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी और डिसोल्यूशन हमेशा आपका फेवर होता जाएगा, मतलब इट इज फेवर्ड। तो ये थी कहानी किसकी, ड्रग डिसोल्यूशन की, जिसकी तीन थियरीज हैं। तीन थियरीज में से बेस्ट थियरी कौन सी है, डिफ्यूजन लेयर थियरी, दो स्टेप में होती है। इसको समझाने के लिए कौन सा होता है, नॉइज़वेट इक्वेशन, प्रूनर में उसको मॉडिफाई किया, और ये वाले फैक्टर्स हैं, और सिंक कंडीशन में आपको किस चीज का ध्यान रखना है। अब आती है सेकंड थियरी, जो डैंकवर्ट्स मॉडल है, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज सरफेस पेनेट्रेशन एंड रिन्यूअल मॉडल। उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ड्रग का जो सरफेस है वो रिन्यू होता है और ड्रग का सरफेस पेनेट्रेट होता है। कहने का मतलब, क्योंकि इसका नाम ही सरफेस पेनेट्रेशन एंड रिन्यूअल है, तो होता क्या है कि इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रेश सॉल्वेंट पैकेट्स हैं, सॉल्वेंट के फ्रेश मॉलिक्यूल्स, ये पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, और पास आने के बाद सरफेस से क्या है, थोड़ा सा अमाउंट लिया और लोड हो गया। ये जो अंदर शेडेड पोर्शन है, इट शोज द लोडेड पैकेट मॉलिक्यूल्स, और यही पैकेट मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। तो फ्रेश पैकेट्स ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे अप्रोच टू द सरफेस, दे डिसॉल्व सम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड डिसॉल्विंग सॉलिड एंड इट हैज बीन टेकन अवे, मींस ये देखिए सैचुरेटेड पैकेट्स आर लीविंग, ठीक है। और ये है बल्क ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जहां पर कंसंट्रेशन कम है इसके कंपैरिजन में। नाउ डैंकवर्ट्स मॉडल दे इट क्लियरली रिजेक्टेड द फिल मॉडल। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया, मतलब जो वेन एवर देर इज एजिटेशन इज देयर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ टर्बुलेंस एट इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है यहां पर टर्बुलेंस है, जिसकी वजह से एडी करंट्स बनते हैं। आप समझते हैं एडी करंट्स का मतलब, एडी करंट्स बनते हैं, एडी पैकेट्स बनते हैं, मासेस बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो जाएंगे और सरफेस से ड्रग लेकर लाएंगे और आसपास छोड़ देंगे। तो ऐसे ही क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, सरफेस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड एज द टाइम प्रोग्रेसेस एंड ईच टाइम द सरफेस इज रिप्लेस विद न्यू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, आपका जो सॉलिड है पूरा घुल जाएगा। तो ये है सेकेंड थियरी। फिर आती है थर्ड थियरी, द थर्ड थियरी इज इंटरफेशियल बैरियर मॉडल। इंटरफेशियल बैरियर मॉडल ये कहती है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन एट इंटरफेस। भैया ऐसा है, वहां पर आपका डिसोल्यूशन जैसा कुछ भी नहीं है, वहां पर जो भी कुछ हो रहा है वो तो सॉल्युबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये जो आपकी इंटरफेस की बात हो रही है ना, इंटरफेस की, यहां पर हो क्या रहा है, एक अलग ही कंसंट्रेशन है, और वो किसकी वजह से है, सॉल्युबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। और ये कहता है कि अगर ड्रग को क्रिस्टल माना गया है, और क्रिस्टल अलग अलग शेप के होते हैं, तो अगर क्रिस्टल अलग अलग शेप के होते हैं तो हर फेस का एक अलग ही बैरियर है, ठीक है, और अलग बैरियर है तो उसको गिवन दी एंड इट इज एक्सप्लेन बाय, या उसको समझाया गया है इस इक्वेशन से,
या डिसोल्यूशन रेट उसकी किस इक्वेशन समझाई गई है, जी इज इक्वल टू के आई सी एस माइनस सी बी, जहां पर जी क्या है डिसोल्यूशन रेट पर यूनिट एरिया, पर के आई क्या है इफेक्टिव इंटरफेशियल ट्रांसपोर्ट कॉन्सेंट, सी एस आपको बताइए है, सी बी आपको बताइए है, सी एस तो ये कंसंट्रेशन यहां पर है और सी बी मतलब कंसंट्रेशन बल्क में है। अब इन तीन थियोरीज में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी है वो है आपकी ड्रग डिसोल्यूशन की थियोरी। कौन सी है वो? यस, फिल्म थ्योरी, क्योंकि फिल्म बनती है और उसके बाद आपका डिसोल्यूशन आगे चलता है। तो वंस अगेन इट इज रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, वेरी सून इंटरेस्टिंग वीडियोस यू विल सी, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।